यहाँ हम एक सीवियर एंगुलर इंजरी को देख रहे हैं जो स्पाइन बोन को मुतासिर करती है। इसे एक एंगुलर मोशन में मजबूर किया जाता है जो इस नॉर्मल लिमिट्स मोशन की हदूद से तजावज करती है। स्पाइन की माविन लिगामेंट्स को नुकसान पहुंचता है और जब स्पाइन की सपोर्ट लिगामेंट्स को नुकसान पहुंचता है तो उनके स्वेल की वाहत जगह नर्व में होती है, तो यहाँ आप जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव एंगुलेशन देख सकते हैं। स्पाइन सपोर्ट लिगामेंट्स को नमाया तौर पर नुकसान पहुंचता है और वो रिक्ट नर्व में स्वेल हो जाती हैं। ये भी हो सकता है जब डिस्क हर्निएशन हो या ना हो, लेकिन अगर डिस्क हर्निएशन हो तो ये एक कॉम्प्लिकेशन का बास बनती है। ये जरूरत से ज्यादा ट्रांसलेशन है। फिर आप नॉन डिस्क स्पिनल सपोर्ट लिगामेंट्स को नमाया नुकसान देखेंगे। ये एक्सरे एनालिसिस में सामने आता है। और दोबारा जब ये लिगामेंट्स, ये स्पाइन की माविन लिगामेंट्स को नुकसान पहुंचता है तो वो रिक्ट नर्व में सौज जाती हैं। हम डिस्क हर्निएशन के बगैर स्पाइन सपोर्ट लिगामेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन डिस्क हर्निएशन के बगैर इन लिगामेंट्स को शदीद नुकसान पहुंचना बहुत कम होता है, इसीलिए उनका टेस्ट होना चाहिए। जब हम क्रेनियल सर्विकल जंक्शन की तरफ जाते हैं तो यहाँ कोई डिस्क शामिल नहीं होती, लिहाजा ये सब स्पाइन बोन की माविन लिगामेंट्स एनालिसिस है। और ये एनालिसिस एक्सरे पर किया जाता है। हम अपर सर्विकल स्पाइन में खुसूसी दबाव वाले एक्सरेज पर गैर मामूली तर्जमा देख सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। इसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।